वन विभाग की सरकारी चौकी निर्माण को बंद करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष लिधौरा के ससुर जयराम चरार ने मजदूर को दी धमकी। क्योंकि जयराम चरार एक शासकीय शिक्षक है, प्राथमिक पाठशाला सदगुवा में पदस्थ है, लेकिन नगर परिषद लिधौरा के ससुर होने के कारण अपना रौब दिखाते हैं। लिधौरा में वन विभाग की सरकारी चौकी का निर्माण रेंज मोहल्ला में किया जा रहा है, जिसमें मजदूर राजेंद्र अहिरवार के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। राजेंद्र अहिरवार का आरोप है कि जयराम चरार नगर पालिका अध्यक्ष लिधौरा के ससुर द्वारा काम बंद करने सहित धमकी दी, जहां सरकारी चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर आकर कहते हैं आप निर्माण कार्य को बंद करो। शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे मौके पर और निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कुछ असामाजिक तत्व है वो कार्य को बंद करा रहे थे, मगर कार्य अब चल रहा है और वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद है। टीकमगढ़ से राज इंडिया 18 के लिए जमील खान की रिपोर्ट। वो तो वन विभाग से काम मिला है, मजदूर कर रहे हैं, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये रही है, जयराम चढ़ा परेशान कहता है कि तुम काम बंद करो, वो औकात वो तो काम आपका है कि देखा देना। हम किसा हमसे कहा वन विभाग जाने, नगर पंचायत जाने, अध्यक्ष महोदय जाने, हमसे कहा क्या लेना देना। जी जयराम चढ़ार कौन है? अध्यक्ष का वो है ससुर, ससुर मास्टर, यहाँ पे काम रुकवाने के लिए आए। जी जी क्या धमकी दे रहे थे क्या? जी जी तो आपने वन विभाग में सूचना दी कि नहीं दी? जी जी कल शाम की दी थी, आज उनकी पोस्ट आ गई है काम। तो कोई विवाद नहीं है, हमारा काम चल रहा है, सरकारी चौकी बन रही है। यहाँ पर जो है किसी हमारा जो कारीगर है उसको कोई असामाजिक तत्व के आदमी आते हैं तो मना करते हैं, यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसकी हमारे यहाँ से बस के यहाँ से सारी लिखा पड़ी हो गई है और यहाँ पर हम पूरा स्टाफ यहाँ आए हैं देखने के लिए। जो सर असामाजिक तत्व है उनका नाम पता नहीं है क्या सर? नहीं पता, कारीगर कारीगर को पता है। तो सर इसमें आगे आपकी आगे क्या कार्रवाई होगी? आपने क्या लिखित शिकायत दी है क्या थाने में या ऑफिस से? हमारे यहाँ से लेते हैं।